कि हमारी ज़बरदस्त सी चटनी, इसको हमने इमली और आलू बुखारे के बगैर रेडी किया है। बहुत ही न्यू तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार। रमज़ान में इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी चटनी की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। ना तो वो इमली के साथ रेडी करेंगे, ना ही आलू बुखारे के साथ रेडी करेंगे। ये झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास इमली और आलू बुखारा घर पर मौजूद नहीं है और आपको चटनी की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप एक कप गुड़ ले लें, इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी, इसको बहुत मज़ेदार हम तैयार करेंगे। कम बजट में रेडी होने वाली रेसिपी है, रमज़ान आ रहा है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी को बना के रखें, ये एक कप के बराबर गुड़ है, इसके ऊपर ये आधा चम्मच भुना हुआ है ज़ीरा है, ये हम डाल देंगे। एक चम्मच ये चाट मसाला है, चाट मसाले का हम डाल देंगे। एक चम्मच ये अमचूर पाउडर है, ये हम डाल देंगे। ये आधी चाय की चम्मच के बराबर ये काला नमक है, ये हमने डाल देना है। इसके अंदर हम बस यही चार मसाले ऐड करेंगे। अब इसको हमने ले लेना है, आप मिक्सी लेके यार ले लें या कोई जग है आपके पास वो ले लें। इसके अंदर हम अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। और यहाँ पर मैं साथ ही एक खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर डाल दूँगी, जो इसको बहुत ही चटपटा सा बनाएगा। और आधा कप के बराबर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। चूल्हे पे रख दिया, इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम ऑयल का डालेंगे, बहुत तो 1 टेबलस्पून ही हमने लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना सा ही हम ऑयल लेंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, जो कि मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम सौते करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, अदरक को ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने इसे आधा मिनट ही पकाया, अब हमने जो ब्लेंड किया है तो सारे गुड़ और मसाले डाल के इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। इसको हम पकाएंगे, इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है मीडियम आंच पे, हम इसको रखेंगे। इसके अंदर गुड़ है, पानी है, इसको थोड़ा सा पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हम गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चटनी रेडी हो रही है, बहुत डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ और बहुत ही आसान जो तरीका है आलू बुखार या इमली के बगैर, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में बहुत ही रब के काम आने वाली है। 2 से 3 मिनट से पकते हुए हो गए, यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो जार मकाज है हम ये डाल देंगे। अब इतनी जितनी गाढ़ी हुई है, अभी थोड़ी सी पतली है, अभी थोड़ा सा और हम गाढ़ा करेंगे। ये देखिए जो खूबसूरत सी हमारी चटनी रेडी है, इसके थिकनेस मैंने इतनी रखी है। अब चूल्हा मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ठंडी होकर थोड़ी सी जो और गाढ़ी हो जाएगी। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी कितनी झटपट, कितनी यूनिक और हमने ज़बरदस्त सी चटनी रेडी की है। चटनी को हमने डिश आउट कर लिया है, ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चटनी रेडी हुई है, बहुत स्पाइसी, बहुत चटपटी सी। ये पकौड़ों, समोसों, चाट के लिए, जो कटोरी चाट के लिए, ये बहुत ही मज़ेदार है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये झटपट रेडी होने वाली चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार रेडी होती है, जिसको ज़रूर ट्राई कीजिए। रेडी हुई बहुत स्पाइसी और चटपटी सी ये है। अगर आप लोगों को स्पाइसेस ज़्यादा पसंद ना हो तो स्पाइसेस आप कम भी कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को भी दबाया करें और साथ में आल का बटन प्रेस किया करें, ताकि मेरे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।